सो गाइस सबसे पहले हमें ये करना है अपने फ़ोन में प्रिंटस खोल लेना। प्रिंटस वाला जो ऐप होता है, ये प्रिंटस वाला ऐप मैंने खोल दिया है। तो उसमें हम सर्च मारेंगे स्टिकरों के लिए जो हम इमोजी लगाते हैं, उसमें कार्टून करेक्टर्स जो भी मतलब उसमें अपनी लाइन्स होंगी। जैसे मेरे उसमें लाइन्स हैं यहाँ पे अनलिमिटेड चैट्स, तो मैं चैट्स का वो कर लेता हूँ, चैट्स का एक इमोजी सर्च मार लेता हूँ यहाँ से अपने लिए। इसे कॉपी करा, यहाँ पे लिखेंगे चैट्स बिटवीन टू बेस्ट फ्रेंड्स, और लास्ट में लिखना है हमें कार्टून कैरेक्टर्स। जैसे सर्च मारेंगे तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे बहुत सारे, यहाँ पे हमारे बहुत सारे आ गए। तो यहाँ पे कोई से भी ले सकते हैं, तो अपने हिसाब से छाट लेंगे। तो मैं इसमें देख लेता हूँ, ये वाले अच्छे लग रहे हैं मेरे को, तो मैं अपनी सारी लाइन्स के लिए यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड इमेज, इससे हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस ये आपके पास प्रिंटर्स वाला ऐप नहीं है तो हम गूगल पे जाएंगे सीधे सीधे, गूगल पे क्लिक करा और करेंगे चैट्स, यहाँ भी वही कर देंगे चैट करेक्टर्स। तो यहाँ पे भी आ गया ऐसे ही, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसे क्लिक करके रखा और तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जैसे डाउनलोड कर दिया, जैसे करके हमारे डाउनलोड जाएंगे। तो इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, इसको हम वाइट वाले पेज पे कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हमें पिक्सल लैब ओपन करना है, सॉरी इसमें मेरा डार्क मोड ऑन है तो दिक्कत होगी। ये पिक्सल लैब में क्लिक करा हमने, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 3 डॉट पे गए, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी करा और यहाँ से अपना नेम कार्ड जो होता है वो ले लेंगे। मैंने गाइस आपको आप लोग को नेम कार्ड बनाना सिखाया है, वो पार्ट 1 में है। अगर आपको आप लोगों ने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से देखें, क्योंकि सबसे ज़रूरी इसके लिए जो नेम कार्ड होता है वही बनाना होता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो बनाना सीखना है तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 देखना होगा, चैनल में पहले से अपलोडेड है वो वीडियो। इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, फिर से यहाँ पे से न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करा इसको डिलीट कर देंगे पूरा एक साथ। उसके बाद हम अपनी लाइन्स ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अनलिमिटेड चैट्स, तो इसे कॉपी करा यहाँ से मैंने, उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट करा मैंने। और गाइस ये जो मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ पे जो मैं एडिट कर रहा हूँ, ये वाले एडिट के बारे में मैंने आपको इससे पहले पार्ट 2 में ही बताया, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पर वहाँ पे मैंने स्टिकर नहीं बताया, वहाँ पे मैंने सिंपली बताया कैसे एडिट करते हैं। इसको 80 पे रख देंगे, 80 पे रख दिया, फिर यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देंगे। और गाइस बहुत लोगों ने मेरे को फॉन्ट के लिए एक DM करा था, तो गाइस उसके बाद मैंने जो पार्ट 2 है उस पर डाल दिया था, उस पर अपना वो जो फॉन्ट का लिंक है वो मैंने उस पर अपलोड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं पार्ट 2 पे। यहाँ से इसे कलर इसका ब्लैक कर देंगे, इसको फर्स्ट वाला कैपिटल में कर देंगे। और यहाँ से अब फ़ोटो कैसे लगाएंगे, फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ प्लस वाला जो आइकन है उस पर क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से फ्रॉम चैट्स पे इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया गाइस, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। पर इसका जो बैकग्राउंड है वो जो है गायब नहीं हुआ है। उसके लिए यहाँ पे जो सबसे नीचे 3rd वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इरेज कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही ऑन करेंगे ये इसका जो बैकग्राउंड होगा पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो वैसे ये तो ठीक है चलो। उसके बाद इसका जो हमें साइज़ है, साइज़ घटाने के लिए यहाँ पे रिलेटिव साइज़ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे से हल्का सा कम कर देंगे। देखिए हमारा यहाँ पे सब बढ़िया सा बन गया है, ये बन गया हमारा, तो इसे बस इतना सा बन गया। तो इसको अब हम यहाँ पे एक इमोजी भी ऐड कर लेते हैं जिससे कि और बढ़िया लगे। यहाँ पे प्लस वाला इमो, इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी इमोजी ले लेंगे, यहाँ पे एक हार्ट का साइन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया गाइस, उसके बाद इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो ऊपर सबसे ऊपर सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एस इमेज पे क्लिक करेंगे। इतना पहले मैंने ऐड ऑफ कर देता हूँ वरना ऐड आएगा। इसको सेव एस इमेज पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे सेव हो गया। तो ऐसे ऐसे करके हम सारी बनाएंगे, सारी लाइन्स यहाँ से कट करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ये जैसे क्यूट स्माइल से इसको कॉपी करा, इसको पेस्ट करा, तो ऐसे करके गाइज हम सारी बना लेंगे अपनी जितनी भी लाइन्स है। लाइन्स यहाँ पे मेरी
आठ लाइन से, तो आठ लाइन्स को बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसे मैं आपको शॉर्टकट में दिखा देता हूँ फटाफट। तो गाइज ऐसे करके हम अपनी सारी लाइन्स बना देंगे। उसके बाद कैपकट को ओपन करने के लिए पहले सबसे पहले सिक्योर वीपीएन कनेक्ट करेंगे। सिक्योर वीपीएन पर क्लिक करा, नेट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके बाद कैपकट ओपन करेंगे, फिर यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। फोटोज़ पे जाके अपनी सारी वो जो भी फोटोज ने ले लेंगे सारी की सारी अनलिमिटेड चैट्स, क्यूट स्माइल्स, लॉन्ग कॉल्स, शेयर फीलिंग्स ओनली विद जस्ट वन पर्सन, माय बेस्ट फ्रेंड। सो गाइस यहाँ पे फिर ओवरले पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे से डाउनलोड्स पे मैं अपनी वो ले लेता हूँ इमेज। गाइज इन सबका जो भी इमेज इमेज होंगी, जो स्टिकर वाली है वो तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो ये शैडो वाली है इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। ऐपो का भी, सारे ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, और आपको जो भी चाहिए होगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी आप मेरे को DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर कोई भी हेल्प के लिए। यहाँ पे देखिए हमारे सारे के सारे बन गए, तो इसको कर लेते हैं, इसमें एनिमेशन जोड़ लेते हैं। इन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाला से दिख रहा है अनलिमिटेड चैट्स। उसके बाद कोई सा भी ले लेंगे, यहाँ पे कोई सा भी अपने मन से छाट सकते हैं। यहाँ पे सब मैंने मिशन लगा दी यहाँ पे फटाफट से। स्विंग बॉटम भी अच्छा है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद सबके बीच में जिसके बीच में चाहिए मेरे को ऐसे यहाँ पे चाहिए बीच में, इसके बीच में मेरे को यहाँ पे इफेक्ट चाहिए, माइनस पे क्लिक करा मैंने, पे कैमरा पे जाके पे यार सही हो रहा था, इसको ही लगा लेते हैं, ये सही लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारी वीडियो बन गई, फर्स्ट से देखते हैं अनलिमिटेड चैट्स, क्यूट स्माइल्स, लॉन्ग कॉल्स, शेयर फीलिंग्स ओनली विद जस्ट स्पेशल पर्सन, माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ से इसे इम्पोर्ट कर लेंगे और हमारे यहाँ वीडियो तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे फर्स्ट में कवर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे कवर में जो जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर कवर पे क्लिक करा, यहाँ पे कोई भी अच्छा सा कवर ले लेंगे, मैं तो ये वाला ले लेता हूँ। सेव कर लिया और यहाँ पे से इसे एक्सपोर्ट कर देंगे और हमारी वीडियो बन चुकी है। सो गाइज आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विंडो साइड और रील्स में स्टिकर कैसे एडिट करते हैं। अगर गाइज आप लोग को सिंपल वीडियो एडिट करना सीखना है तो इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। और गाइज आप लोग को अगर कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। और गाइज जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी विंडो साइड वाली रील्स डालता हूँ। आप लोग वहाँ से अगर आपको बनाना है इस टाइप की रील्स तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या आप लोग को अगर खुद के थॉट्स हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। और गाइज जितने भी सारे इसमें ऐप्स यूज़ हुए हैं और जितने भी इमेजेस यूज़ हुई हैं और जितने भी थोड़े से स्टिकर मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे VNF से ये वाली वीडियो एडिट करते हैं। और गाइस आप लोग को अगर कोई भी एडिट सीखना है तो आप मेरे को कमेंट पे बता सकते हैं कि मेरे को ये वाला वीडियो सीखना है, तो मैं आप लोग के लिए वाली वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।